good morning my dear students welcome back in my class so today we are going to start with the new topic that is fire and wheel so in this topic the main learning objective of this topic is my dear students is to know or you can say we will learn about how uh, early humans discovered fire and wheel and its uses how they use fire and wheel okay so let's start with the topic that is discovery of fire so my dear students early humans uh, knew about fire how they knew about fire they would have often seen forest fire or when lightning struck trees That means उन्होंने uh, almost time देखा होगा जंगल में आग लग जाती है अब वो आग कैसे लगती है जब lightning होती है ओके okay? लाइटनिंग मतलब जब बिजली कड़कती है ठीक है तो उन्होंने देखा होगा कि, कि जब बिजली कड़कती है तो जो सूखे पत्ते हैं उनमें आग लग जाती है तो इस तरह से उन्हें पता था कि फायर क्या होता है बट देवर अफ्रेड ऑफ द फायर देवर अफ्रेड ऑफ द फायर वाई देवर अफ्रेड ऑफ द फायर बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू कंट्रोल इट उन्हें पता ही नहीं था कि फायर को कंट्रोल कैसे करना है ठीक है अब उन्हें कैसे पता चला कि जो फायर है उसको और किस किन तरीकों से उन्हें यूज कर सकते हैं ठीक है या किन तरीकों से फायर को और इन्वेंट कर सकते हैं नाउ वट हैपन्स वेन दे न्यू अबाउट फायर फायर ओके देन अर्ली ह्यूमन शार्पन्ड देर स्टोन टूल्स बाय रबिंग दम टूगेदर फिर उन्होंने क्या क्या देखो यहाँ पे आपको दिखेगा दो स्टोन टूल्स को उन्होंने साथ में रब करना स्टार्ट किया ठीक है जब ये दो स्टोन टूल्स को उन्होंने साथ में रब करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ चिंगारियां निकली आग की और उनसे इनकी लकड़ियाँ जल गई तो इन्हें पता चल गया कि फायर कैसे जलाना है आग कैसे लगा जलानी है ठीक है now we are going to learn about how fire was useful to early human so my dear students this fire was very useful to them okay in many different ways how first is fire kept them warm in the bitter cold that means bahut hi zyada thand mein जो fire होती थी जो आग होते थे वो उन्हें गर्मी गर्म provide करता था ठीक थेक, है ठीक है गर्मी देता था सेकेंड जो एनिमल्स होते हैं वो आग से डरते थे ओके okay? तो ये जो जंगली जानवर होते हैं वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ये जो फायर है उनको प्रोटेक्ट करता था उन वाइल्ड एनिमल्स से और जब वो किसी शेल्टर में रहते थे या केव्स में रहते थे तो उनको लाइटनिंग भी प्रोवाइड करता था ठीक है और फायर को देख के जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो भाग जाते थे तो इस तरह इस तरह से जो फायर है वो उनके लिए यूज़फुल थी तीसरी यूज़फुल चीज़ उन्हें क्या पता चली दैट फायर मतलब जो रॉ मीट होता है वो फायर में रोस्ट कर सकते हैं ठीक है और उसका उसके बाद टेस्ट जो था वो बहुत ही अच्छा होता था और सॉफ़्ट होता था तो इस तरह से उन्हें एक नई चीज़ पता चली कि जो आग में हम खाना भी बना सकते ठीक है या रॉ मीट भी पका सकते हैं पकाने के बाद उन चीज़ों का टेस्ट अच्छा आता था ओके सो दे ऑल्सो डिस्कवर हाउ टू कुक फूड ओके सो दिस दिस इज़ द मेन पॉइंट दैट दे डिस्कवर्ड हाउ टू कुक फूड फॉर देम सेल्वस ओके बिकॉज आफ्टर कुकिंग फूड the taste was good that is why they knew they come to know about that fire is also used for cooking food so these were the different ways from which you know uh, this early humans come to know about the use of fire now i hope you understood uh, these three points let me cover them uh, again number one point was uh, fire kept them warm in a bitter cold second you know when animals came to them that means wild animals so fire protect themselves from the wild animals and also give them lightning in a caves or where they live in a shelter in a cave okay then third point is they come to know about cooking that when fire is there so they they can cook food okay so these three points were uh, is important and this is how they come to know about the use of fire now we are going to learn about how they come to know wheel about wheel okay how they discovered wheel so the next topic is invention of wheel now during the Stone age early humans walked from one place to another and carried loads of loads on their pack this was a slow and difficult process this time pe stone age chal thi, stone age. Ke time pe. अर्ली ह्यूमन्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वो अपने साथ बहुत ही सारा लोड लेके जाते थे बहुत सारा सामान लेके जाते थे ठीक है तो एक तरीके से ये उनके लिए बहुत ही स्लो प्रोसेस था कौन सा प्रोसेस था स्लो प्रोसेस ओके देन दे फेल द नीड फॉर इजियर वे ऑफ ट्रैवलिंग फिर उन्हें लगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है इतना सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह लगा ले जाना बहुत डिफिकल्ट है तो उन्होंने डिफरेंट वेज ढूंढने ट्रैवल करने के लिए ठीक है क्या ढूंढे डिफरेंट वेज ढूंढे। वन ऑफ द अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज द राफ्ट मेड फ्रॉम लॉक्स ऑफ वुड्स सबसे पहले उन्होंने क्या इन्वेंट किया राफ्ट राफ्ट क्या होता है जब हम नदी में लकड़ी लकड़ियां होती है ना तो उनको बांध के आ, पानी में छोड़ देते हैं तो वो क्या करती है जैसे नाव की तरह होती है वो तो एक जगह से दूसरी जगह इजीली पानी के थ्रू वो जा सकते हैं ठीक है अब वो राफ्ट कैसे बनते थे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ छोटा सा सपोज दैट ये हमारी लकड़ियाँ हैं ठीक है वुड्स इन लकड़ियों को वो एक साथ बांध देते थे नॉट कर देते थे ठीक है अब आप यहां पे देखोगे इस तरह से उन्होंने बांध दिया तो ये क्या हुआ एक शेप बन गया ठीक है और एक लंबी सी लकड़ी लेके फिर वो पानी में जैसे नाव का चप्पू होता है वो चलाते हैं उस तरह से चलाते थे ठीक है तो ये उनका पहला इन्वेंशन था उसके बाद क्या हुआ अर्ली ह्यूमन सॉल लॉक्स फ्लोटिंग ऑन द वॉटर एंड बिगेन टू ट्राई दैम टूगेदर टू क्रिएट राफ्ट जब उन्होंने देखा कि जो लकड़ियाँ हैं वो पानी में फ्लोट कर रही है तो उन्होंने राफ्ट बनाना स्टार्ट कर दिया अब राफ्ट कैसे होता है वो मैंने आपको ऐसे समझा दिया ठीक है किस तरह से बनाते हैं अब यहाँ पर आपको साफ साफ में भी दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा ये जैसे उन्होंने लकड़ियाँ ऐसे नॉट की ठीक है नॉट करना मतलब बांधना ओके okay? तो इस तरह से उन्होंने लकड़ियों लकड़ियां बांध के पानी में छोड़ दिया ठीक है तो ये एक राफ्ट बन गया उनके लिए ओके नाउ नेक्स्ट अर्ली ह्यूमन बिल्ड वुडन कार्ड और स्लेज टू ड्रैग लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दूसरा उन्होंने क्या क्या स्लेज बनाना स्टार्ट किए या कार्ट्स बनाना स्टार्ट किया ठीक है जो एक जगह से दूसरी जगह उनको इजीली लेके जा सकते थे अभी मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर शो करूँगी देखो पहले लकड़ी इस तरह से थी ठीक है फिर उन्होंने ऊपर से दूसरी लकड़ी रख दी और जब इसको कैरी करते थे तो वो ईज़ी हो जाता था ठीक है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में <coughs> सॉरी तो इस तरीके से हेल्प करते थे ठीक है मतलब इस तरीके से उन्होंने बनाया था अब जो लकड़ियाँ होती थी वो प्लेन भी नहीं ले सकते थे वो लकड़ियाँ ऐसे लेते तो जो सर्कुलर मोशन में हो ठीक है यानी कि सपोज दैट ये पेंसिल है अगर ये पेंसिल प्लेन होगी प्लेन मतलब जिस तरह से ये बुक है इस शेप में होगी स्क्वायर शेप में होगी या रेक्टेंगुलर शेप में होगी तो वो उसको खींच नहीं सकते ठीक है थीके? तो उन्होंने लकड़ियाँ ऐसे गोल सर्कुलर शेप में ली ठीक है ताकि जब वो उसको मूव करे तो ये ये इस तरीके से मूव होती रही आप देख रहे हो ना इस तरह से मूव हो रही है, ठीक है तो उन्होंने इस तरह की लकड़ियाँ लेनी स्टार्ट की जो सर्कुलर मोशन में थी फिर उन्होंने इस तरह से बनाया उसको देन दे फाइनली यू नो कन्वर्टिड दैट दिस थिंग इनटू दिस मॉडल ओके तो फिर उन्हें पता चला कि स्लेज कैसे बनते हैं या कार्ड्स कैसे बनते हैं ओके दे डिस्कवर डेट राउंड लॉक्स वेन फिट टू दीज कार्ड्स मेड इट इजियर टू ड्रैग दैम ओवर लैंड जब उन्हें पता चला कि जो राउंड लॉग्स होते हैं, ये देखो राउंड लॉग्स है ये इज़ी है कार्ड्स को खींचने के लिए ठीक है तो फिर उन्होंने ये स्लेज बनाना स्टार्ट कर दिया ठीक है और खींचना स्टार्ट किया ठीक है क्योंकि अगर हम किसी आ, ऐसे फ्लैट लकड़ी को खींचेंगे तो वो नहीं होगा है ना लेकिन अगर हम कार्ट्स को खींचेंगे ठीक है या फिर कोई सर्कुलर लकड़ी को खींचेंगे इस तरह से व्हील को तो सामान ले जाने में इजी होगा ठीक है दस अर्ली ह्यूमन डिस्कवर्ड द व्हील इस तरह से उन्होंने व्हील डिस्कवर्ड किया ठीक है आप देखो फर्स्ट पार्ट देन सेकेंड देन थर्ड थर्ड में आप देखोगे डिस्कवरी जो है व्हील की वो अलग ही है है ना पूरी पतली सी लकड़ी है फिर इस तरह से दो व्हील बना रखी है ओके सो दिस इज हाउ दे डिस्कवर व्हील नाउ यू नो यू सॉरी यू मस्ट कम टू नो अबाउट हाउ दे डिस्कवर व्हील व्हील वर यूजफुल एज दे मेड ट्रैवलिंग फास्टर अब क्या हुआ व्हील उनके लिए यूज़फुल हुआ क्यों यूज़फुल हुआ क्योंकि व्हील ने उनकी ट्रैवलिंग को बहुत ही ईजी और फास्ट बना दिया है ना वो क्या करते थे और सामान जो है वो इस स्लेज पर रखते थे और फिर कोई एनिमल या खुद उसको ड्रैग करते हुए लेके जाते थे ठीक है तो इस तरह से उन पर लोड भी कम होता था है ना और सामान जो है कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता था अर्ली ह्यूमन नो लॉन्गर हैड टू वर्क ओवर लॉन्ग डिस्टेंस फिर उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस में वॉक करना नहीं पड़ता था ठीक है वो स्लेज में बैठते थे व्हील में बैठते थे और चले जाते थे सो दिस इज हाउ व्हील्स वर यूजफुल इन मेकिंग क्ले पॉट्स एंड पैनस इस तरह से उन्होंने व्हील का व्हील का यूज़ करना स्टार्ट किया और वो यूजफुल भी रहे पॉट्स बना क्ले पॉट्स बनाने के लिए एंड पैन बनाने के लिए सो माय डियर स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर इन्वेंशन ऑफ व्हील as well as discovery of fire i hope you understood the chapter if you have any query my dear students you can send uh, or you um, sorry you can write in a comment box okay your questions and i will try to give answer to it thank you and jai